पहले वनडे मुकाबले में तोड़ा। सुमन गिल ने रिकॉर्ड डबल सेंचुरी के दम पर भारतीय टीम को जिताया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां पर पहला वनडे मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर टीम इंडिया में शानदार वापसी मोहम्मद सिराज की रही है। साथ ही यहाँ पर सुमन गिल ने किस तरह से अपनी डबल सेंचुरी को पूरा करते हुए इस मुकाबले में इतिहास रचा है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश है। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां पर पहला वनडे मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम पर कराया और न्यूजीलैंड की टीम को यहां पर एक बड़े स्कोर से हराकर इतिहास रचा है। हम बात करें इस मुकाबले की तो यहां पर सुमन गिल ने आज के मुकाबले में डबल सेंचुरी के दम पर भारतीय टीम ने एक बड़े स्कोर को यहां पर न्यूजीलैंड की टीम के सामने रखा था। भारतीय टीम ने आज पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 350 रनों का टारगेट दिया था। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोने के बाद यहां पर 349 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम आज के मुकाबले में इस मुकाबले को हार गई और यहां पर एक टीम इंडिया ने पहले ही वनडे मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। ब्रेसवेल वनडे करियर का दूसरा शतक पूरा कर चुके हैं। तो इनके अलावा यहां पर सेंटनर ने भी 7वें विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी करी है। हेनरी सिप्ले की हम बात करें तो आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से हेनरी सिप्ले खाता भी नहीं खोल पाए थे। मोहम्मद सिराज ने इनको बोल्ट किया था, यह इनका चौथा विकेट था। इससे पहले भी सिराज ने मिचेल सैंडनर को 57 रनों पर पेवेलियन की राह दिखा दी। तो वहीं पर टॉम लैथम का विकेट भी 24 रन बनने के बाद लिया था। तो वहीं पर डेविन कॉनवे को भी 10 रन बनने के बाद इनके विकेट लिए थे। सिराज के अलावा कुलदीप यादव ने डेरिल मिचेल को 9 रन बनने के बाद विकेट लिया और हेनरी निकोलस को 18 रन बनने के बाद रन आउट किया था। सम्मी ने ग्लेन फिलिप्स को 11 रन बनने के बाद यहां पर इनका विकेट लिया। तो वहीं पर शार्दुल ठाकुर ने भी फिन एलिन का 40 रनों पर रन आउट किया था। टीम इंडिया के गेंदबाज आज के मुकाबले में कमाल की फॉर्म में दिखे थे। तो वहीं पर बल्लेबाजी में सुमन गिल ने इतिहास रचा है। हम बात करें यहां पर टीम इंडिया की पूरी रणनीति की शुरुआत से ही, तो यहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे रोहित शर्मा के साथ। यहां पर गिल ने पहले विकेट के लिए 73 बॉलों पर 60 रन जोड़े थे। रोहित शर्मा ने 38 बॉलों पर 34 रन बनाते हुए यहां पर पेवेलियन लौटे थे, लेकिन इनकी पार्टनरशिप की गजब की देखने को मिली थी। इसके बाद हम बात करें यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के रन आउट होने के बाद कोहली की, तो भारतीय पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके थे। विराट कोहली आज के मुकाबले में महज 8 रन बनाकर ही रन आउट हो गए थे। कोहली को सेंटनर ने बोल्ट किया था। टीम इंडिया के विकेटों की हम बात करें तो भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा था रोहित शर्मा के टेकनर की बॉल पर, मिचेल सैंडनर को कैच दे बैठे थे। तो वहीं पर दूसरा विकेट 16वें ओवर में दूसरी बॉल पर सेंटनर ने कोहली को बोल्ट कर दिया। तीसरे विकेट की हम बात करें तो यहां पर फर्ग्यूसन ने ईशान किशन को टॉम लैथम के हाथों कैच कराया था। तो वहीं पर चौथा विकेट सूर्य कुमार यादव को डेरिल मिचेल ने सेंटनर के हाथों आउट कराया था। तो वहीं पर पांचवा विकेट हार्दिक पांड्या ने डेरिल मिचेल की गेंद पर बोल्ट कर दिया था। तो वहीं पर छठा विकेट वॉशिंगटन सुंदर को सिप्ले ने LBW कर दिया। तो सातवां विकेट गिरा था शार्दुल ठाकुर को, रन आउट हुआ था यहां पर। इसके बाद आठवें विकेट की हम बात करें तो यहां पर हेनरी सिप्ले की बॉल पर ग्लेन फिलिप्स ने सुमन गिल का कैच पकड़ा था। यानी कि यहां पर भारतीय टीम के विकेट भी आज के मुकाबले में एक के बाद एक गिरते हुए दिखे, लेकिन टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इस मुकाबले में भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। सुमन गिल की हम बात करें तो सुमन गिल ने अपने 1000 रन पूरे कर लिए। विराट और धवन को भी पीछे छोड़ दिया। इस पारी के दौरान 106 रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में सुमन गिल ने 1000 रन पूरे कर लिए। वे इस मुकाबले में सबसे तेजी से पहुंचने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। सुमन गिल ने 19 वनडे की 19 पारियों में 1000 वनडे रन पूरे किए हैं। पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली और शिखर धवन के नाम पे था। विराट कोहली ने 27 मैचों में 24 पारियों में, तो वहीं पर धवन ने 24 मैचों में 24 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन सुमन
गिल ने एक छोटे से स्कोर में इस मुकाबले को आसानी से अपने 1000 रन पूरा करके एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर भारतीय टीम की पारियों के बारे में, तो यहाँ पर गिल दोहरा शतक जमाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी आज के मुकाबले में दिखे थे। भारत की ओर से गिल ने अपने पहले वनडे की कैरियर की बेस्ट पारी खेली है। वे 50वें ओवर में 149 गेंदों पर 208 रन बनाकर आउट हुए थे। वे वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। इससे पहले रोहित शर्मा, ईशान किशन, वीरेंद्र सहगवान, सचिन तेंदुलकर ऐसा कर चुके हैं। दुनिया भर के बल्लेबाजों की हम बात करें तो वनडे में 10वीं बार दोहरा शतक आया है। भारत के अलावा बाकी 3 शतक अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने बनाया है। गिल दोहरा शतक जमाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने 23 साल में 132 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम पर था। गिल ने हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर आज के मुकाबले में 28 रन बनाए, तो सूर्य कुमार यादव ने 31 रन बनाए। साथ ही रोहित शर्मा के साथ अर्धशतक की साझेदारी भी इन्होंने करके दिखाई है। गिल ने पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 74, तो वहीं पर सूर्य के लिए 4थे विकेट पर 65 रन, साथ ही साथ रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े थे। कमाल का परफॉर्मेंस आज के मुकाबले में यहाँ पर भारतीय टीम का देखने को मिला था। न्यूजीलैंड की टीम के विकेटों की हम बात करें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम का पहला विकेट गिरा था 6ठे ओवर की 4थी बॉल पर। कॉनवे को कुलदीप को कैच दे बैठे थे और इन्हें यहाँ पर रन आउट किया था सिराज ने। इसके बाद दूसरे विकेट की हम बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिन एलिन को शहबाज के हाथों स्केवर लेंग की दिशा में कैच कराया था। तीसरे विकेट की हम बात करें तो यहाँ पर कुलदीप यादव ने 16वें ओवर में हेनरी निकोलस को बोल्ट कर दिया। 4थे ओवर की हम बात करें तो यहाँ पर 4था विकेट गिरा था 18वें ओवर की 4थी बॉल पर। कुलदीप यादव ने डेरिल मिचेल को LBW करा था, तो वहीं पर 5वां विकेट गिरा था। यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम का 25वें ओवर की 3री बॉल पर मोहम्मद शमी ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ट कर दिया, तो वहीं पर 6ठा विकेट गिरा था। 29वें ओवर की 4थी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने टॉम लाथम को टीम मिडरिप के विकेट में सुंदर के हाथों कैच कराया था, तो वहीं पर 7वां विकेट गिरा था। यहाँ पर 46वें ओवर में सिराज ने सेंटनर को सूर्य के हाथों कैच कराया था, तो वहीं पर 8वां विकेट गिरा था। 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने सिप्ले को बोल्ट कर दिया, तो वहीं पर 90वें विकेट की हम बात करें तो यहाँ पर 9वां विकेट गिरा था। न्यूजीलैंड का लोकी फर्ग्यूसन के रूप में इनको बोल्ट किया था यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। यानी कि यहाँ पर भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाज कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की गेंदबाजी कमाल की देखने को मिली थी। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाज भी कमाल की फॉर्म में थे, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन आज के मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बारे में, आखिरकार किन्होंने कितने रन बनाए हैं। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 31 रन, हार्दिक पांड्या ने 28 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने 12 रन, शार्दुल ठाकुर ने 3 रन, कुलदीप यादव ने 5 रन, मोहम्मद शमी ने 2 रन बनाए, तो वहीं पर कोहली और ईशान किशन इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे थे। तो सुमन गिल ने इस मुकाबले में अपना दोहरा शतक पूरा किया था। इन्होंने 149 गेंदों पर 208 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में 19 चौके और 9 छक्के भी जड़े थे। इनकी स्ट्राइक रेट 139.59 की देखने को मिली थी। लेकिन इस मुकाबले में सबसे दुख की बात यह रही थी कि यह आज के मुकाबले में नाबाद पारी नहीं खेल पाई, लेकिन फिर भी कमाल का परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला था। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने 38 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। अपनी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के भी जड़े थे। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा शानदार फॉर्म में दिखे थे आज के मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 13 अर्धशतक पूरा किया है। माइकल ब्रेसवेल इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में थे। तो वहीं पर मिचेल सेंटनर ने 57 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो वहीं पर इसके अलावा टॉम लाथम ने 24 रन बनाए। तो वहीं पर इस टीम की ओपनर बल्लेबाज फिन एलिन ने भी 40 रनों का योगदान अपनी इस पारी में दिया था। न्यूजीलैंड की टीम भी जीत के काफ़ी करीब थी, लेकिन आखिरी 5 गेंदों पर न्यूजीलैंड की टीम को 14 रनों की जरूरत थी और यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया और यहाँ पर इस सीरीज में कमाल की जीत टीम इंडिया ने दर्ज करी है। तो दोस्तों आपके हिसाब से दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज शानदार फॉर्म में उतरेंगे। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाजों की,
तो गेंदबाजी में आज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा विकेट जड़े हैं मोहम्मद सिराज ने, तो वहीं पर कुलदीप यादव भी शानदार फॉर्म में थे। हालांकि शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी ने भी एक एक विकेट अपने नाम पर किया है। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से भी लोकी फर्ग्यूसन, बेस टिकनर, मिचेल सेंडन ने एक एक विकेट लिया, तो वहीं पर हेनरी सिप्ले और डेरिल मिचेल ने भी दो दो विकेट अपने नाम पर किए हैं। तो दोस्तों आने वाले मुकाबले में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।